हेलो गाइस। सो गाइस, बहुत वेट था, आपको सुबह से वेट था कि कब वीडियो डालूंगा। वहीं मैं पोको एफ एन की वीडियो थी गाइस, रिगार्डिंग पोको एफ एन टू इंस्टॉल मियो 11 GSI ऑन आर पोको एफ एन गाइस, उसके रिगार्डिंग वीडियो थी। बहुत कुछ लोग बकवास भी कर रहे थे, भाई क्या ये लॉलीपॉप दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। तो भाई हम ऐसे तो कोई वीडियो में बोलूंगा नहीं, जब मैंने वो चीज़ खुद टेस्ट करी तो ऑब्वियसली मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई मियो 11 की जो GSI वो बूटेड हो चुकी है पोको एफ एन। तो बहुत लोग कहते भाई ऐसे ये झूठ बोल रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो उनके सामने है गाइस, आप देख सकते हो, जिनको बहुत एक्साइटेड है कि भाई इसको इंस्टॉल करना है पोको एफ एन पे मियो 11 GSI। बहुत स्टेबल भी है थोड़ी, लेकिन थोड़ी बग्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है कि भाई आपको बहुत कुछ है। वो रिव्यू की वीडियो आएगी, पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन वीडियो की, कैसे इसको इंस्टॉल करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एज ऑलवेज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को भी गाइस शेयर करना मत भूलना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फटाफट हमने ये करना है। सबसे पहले हम फाइल्स की बात, वो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उसका आइडिया आप लगा लो क्या क्या आपको फाइल चाहिए। फर्स्ट गाइस बात कर लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल दिस GSI गाइस। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू वाइप डेल्विक सिस्टम डेटा। क्लीन फ्लैश इज नॉट रिकमेंडेड, सो आई एम नॉट सिलेक्टिंग इंटरनल स्टोरेज गाइस। एंड आफ्टर दैट कन्फर्म टू फ्लैश। एंड गाइस, यू हैव टू डू अ फैक्ट्री सेट ऑल्सो, इट्स ऑप्शनल, इट्स ऑन यू, बट आई एम डूइंग गाइस फैक्ट्री सेट, कन्फर्म टू फ्लैश। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फ्लैश MIUI 10 स्टेबल रोम गाइस, रिकवरी रोम 10.3.8.0। दिस विल बी गाइस द रोम वी हैव टू फ्लैश। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू वाइप, एंड दिस द वेंडर विल बी बूट गाइस, टू बूट GSI मियो 11 GSI ऑन आर पोको एफ एन गाइस। सो गाइस, यू कैन सी आई एम सिलेक्टिंग पोको एफ एन MIUI ग्लोबल 10.3.8.0, दिस वन गाइस, कन्फर्म टू फ्लैश। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन गाइस टू, सो जिसने अभी तक नहीं करा वो कर लेना डाउनलोड। पहले आपको बोल रहा हूँ, ये हमने ये वाला इसको हमने डाउनलोड करना है, जो अपनी पोको एफ एन की स्टेबल स्टेबल रोम है गाइस, रिकवरी रोम है भाई, स्टेबल रोम है, एक ही बात है। रिकवरी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, रिकवरी रोम का कल ही अपडेट निकला था। और कल ही गाइस, क्योंकि लेने जो से मैंने ट्राई करा, मैंने बहुत वेंडर ट्राई करे गाइस, लेकिन उनको पता क्या प्रॉब्लम आई थी कि बूट लूप अकर हो रहा था। बहुत मैंने वेंडर ट्राई करे, मैंने इवन गाइस जो बेटा का है ना, जो अब तक सबसे बढ़िया वेंडर है 9.6.27, वो वाला भी मैंने यहाँ पे ट्राई करा, लेकिन स्टिल बूट लूप आ रहा। फ़ोन बूट होती लेकिन फिर फास्ट बूट में चली जाती। एक बार तो फ़ोन बूट हो गया था, मी मिक्स का लोगो आ चुका था, लेकिन उसके बाद दोबारा TWRP में हो गई, तो बूट लूप बहुत फेस हो रहा था मुझे। फिर मैं सोचा कि एक बार स्टेबल का वेंडर लेके देखता हूँ, सिक्स जो लेटेस्ट अभी अपडेट निकला था यस्टरडे वाला, वो वेंडर लेके, मतलब वही वेंडर देखी है जो आपका 742 MB का, ये 742 MB का आपका वेंडर है, ये वाला लेके देखा मैंने, स्टेबल फ्लैश करी, तो भाई रोम आपकी, रोम नहीं GSI आपकी सक्सेसफुली बूट होगी। फिर मैंने उससे पहले जो हमारा 10.3.7.0 वाला था, वो भी इससे पहले मैंने ट्राई करा, लेकिन उसमें भी ये बूट नहीं हुई, तो लग बाय चांस इसमें बूट होगी। तो सोच रहा हूँ क्या पता और भी GSI इस वेंडर से बूट हो सकती है जो 742 MB का वेंडर है, लेट्स सी। अभी तो आपको यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब मैं चांस तब भी लूँगा, और भी GSI अगर इस वेंडर से फ्लैश होगी, बूट होगी, तो वेल एंड गुड, फिर GSI की वीडियो ज़रूर आएगी फॉर आर पोको एफ एन रिगार्डिंग पोको। तो अभी तो गाइस इस पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपका फटाफट ये रोम फ्लैश होने के बाद हमने एक्सट्रैक्ट करना है आपका, वही वाइप करना है, उसके ऊपर हमने GSI चढ़ा देनी है। आफ्टर वाइपिंग इंटरनल स्टोरेज, नॉट इंटरनल स्टोरेज सिस्टम, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू फ्लैश GSI परमिशन वर्जन 5 एंड परमिशन फिक्स पैच। ओके गाइस, एंड आफ्टर दैट कन्फर्म टू सिस्टम, मतलब रिबूट टू सिस्टम आई मीन। और उसके बाद आपकी जो GSI है वो सक्सेसफुली बूट हो जाएगी। सो गाइस, यू कैन सी आवर स्टेबल MIUI 10 वर्जन रोम हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्लैश्ड। सो द मेन टॉपिक इज नाउ वी हैव टू वाइप द सिस्टम गाइस। वाइप एडवांस वाइप डेल्विक कैचे सिस्टम डेटा अगेन कन्फर्म टू वाइप गाइस। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डू अ फैक्ट्री सेट ऑल्सो गाइस। सो वाइपिंग हैज़ बीन डन गाइस, नाउ वी हैव टू फ्लैश और GSI। बट बिफोर दैट आई विल शो यू द वेंडर गाइस, वेट अ मिनट, बैकअप यू कैन सी गाइस, वेंडर 742 MB, दिस वेंडर हैज़ बीन बूटेड, बूट द GSI गाइस ऑन MIUI 11 GSI ऑन आर पोको एफ एन गाइस, वेंडर 742 MB। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द GSI गाइस, वेट अ मिनट, ये रहा आपका इमेज, सिस्टम इमेज कन्फर्म टू फ्लैश। एंड गाइस, आफ्टर दैट वी हैव टू फ्लैश अप परमेश्वर वर्जन 5, इट्स वेरी मैंडेटरी फाइल बिफोर बूटिंग टू सिस्टम।
Yes, here it is. Permissible version 5 confirmed to flash. And guys, for now we are not flashing a permission.fix patch. We have to flash that patch after first boot in the system, guys. So reboot to system. So guys, the patch is regarding for a launcher crash, or I mean a launcher flick, or you can say black screen also, guys. To fix black screen or launcher flick, the patch is called permission fix dot zip. After first boot we have to flash that patch, guys. So first reboot to system, and after that reboot to recovery, and then we have to flash that patch to fix black screen and to fix launcher crash, or we can say launcher flick. So we यहाँ पे guys reboot हो रहा है आपका system. फटाफट उसके patch flash करेंगे जैसे ये boot हो जाएगी. Mimix आपका यहाँ पे logo आ चुका, powered by Android. तो थोड़ा फटाफट boot हो जाएगी, थोड़ा time लेती है guys. Almost boot हो ही चुकी है, क्योंकि हल्की सी जब समझ लो गाइस मिरर पे ब्राइटनेस कम हो जाती है ना, समझ लो जैसे ही आपकी पक्का बूट हो चुकी है. और उधर से मैंने इसको आइडिया लगाया था जब फर्स्ट टाइम ये बूट हुई थी, मैंने सोचा ये ब्राइटनेस कम होगी, समझ लो ये जीएसआई बूटेड होगी ऑन आर ओकेफन गाइस. तो बस थोड़ा टाइम ले गया, अराउंड 2 to 3 minutes. सो गाइस जीएसआई बूट हो चुकी है, आपका अकाउंट भी यहाँ पे एसोसिएटेड हो जाता है, मतलब ये अकाउंट आपका वर्किंग है. तो गाइस फटाफट वाले जो भी आपका पासवर्ड भरने के बाद हमने रिबूट टू रिकवरी करना है. अगर आपका अकाउंट एसोसिएटेड है, फिर एसोसिएटेड नहीं है, तो सीधा रिबूट टू रिकवरी आप कर सकते हो. जिनका ये चीज़ नहीं है गाइस, पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, जिनका अकाउंट एसोसिएटेड नहीं है, वैसे सबका ही होगा क्योंकि हर कोई मी अकाउंट यूज़ करता ही, ऑब्वियसली लॉजिक है. सो गाइस मी अकाउंट आपका हो चुका है, ये देख सकते हो गाइस, ये ब्लैक स्क्रीन थोड़ा आपका बग है, फोकस नहीं हो रहा है, ये देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन जो आपकी है, लॉन्चर फ्लिक हो रहे हैं. तो हमें यहाँ से हमें रिबूट टू अब आपको रिकवरी करना है. यू कैन सी गाइस दिस बग, ब्लैक स्क्रीन एंड लॉन्चर इज ऑल्सो फ्लिकिंग गाइस. सो नाउ वी हैव टू फ्लैश द पैच परमिशन डॉट फिक्स फ्रॉम TWRP. We are rebooting to reboot to recovery, guys. So guys, recovery में boot हो चुकी है. फटाफट जो patch था हमें यहाँ पे flash करना है. ये रहा आपका permission, नहीं कुछ और ही है, permissions OS fix वैसे कुछ है. confirm to flash करना है. confirm to flash करने के बाद इधर से हमने reboot to अब system को लेना है. simple, your black screen bug has been fixed, guys. Or we can say launcher flick also including. सो नाउ रिबूट टू सिस्टम, और जो आपका आराम से सक्सेसफुली आपकी जीएसआई बूट हो जाएगी. यू कैन सी गाइस आफ्टर 1 मिनट. सो बूम गाइस, यू कैन सी मियो 11 जीएसआई हैज बीन सक्सेसफुली बूटेड ऑन आर पोको एफ एन गाइस. सो वेट अ मिनट, आई एम एडजस्टिंग द ब्राइटनेस. यस, सो दिस इज योर मियो 11 जीएसआई गाइस, सक्सेसफुली बूटेड ऑन आर Poco F1 guys. Everything is working, including dual voltage is also working, guys. So keep in mind that also. You can see HD on both SIM. Here it is. You can see, guys, dual voltage is working. And wait a minute, guys. दूसरी भी आपको चीज दिखा देता हूँ. Mi account भी है. You can see, guys, Mi account is also working. It's logged in. And my device, all specification. You can see, guys, this Mi phone model Mix 2S Mi Mix ported from this device. MIUI version 9.9.9 based on Android Pie, but it's still MIUI 11 guys. So current version 4.9, full screen mode has been activated guys. ये guys आपकी GSI है, आपके Poco F1 के लिए MIUI 11 की GSI. तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को भी गाइस शेयर करना मत भूलना. एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन टू ऑल्सो. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. एंड ऑल क्रेडेंशियल इंपॉर्टेंट फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग परमिशन जीएसआई वेंडर एंड परमिशन फिक्स डॉट पैच ऑल्सो गाइस. और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिव्यू वीडियो विल बी अवेलेबल गाइस बाय टुमारो एट आफ्टरनून और इवनिंग गाइस, नॉट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग तक आपको रिव्यू की वीडियोस की मिल जाएगी, क्योंकि मियन की भी लगानी है मैंने, और भी बहुत कुछ लाइन में या फ्लाई में की भी है, मतलब और कुछ एक बार और भी जीएसए गाइस ट्राई करूँगा. अगर वो बूट हो गई तो वेल एंड गुड, अभी तो बात गाइस इसकी, आप थोड़ा इन्जॉयमेंट लो, टेक द इन्जॉयमेंट गाइस ऑफ दिस जीएसआई मियो 11 जीएसआई बूटेड ऑन आर पोको F1. और कुछ भी पूछना गाइस हमें से पूछ सकते हो टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम पे तो गाइस जरूर आपको मैं रिप्लाई दूंगा कि कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाया. और बहुत अच्छी जीएसआई है, मैंने आपको कहा था मैंने उस सुबह भी कि मैंने इसको चलाया, बढ़िया वेल एंड गुड है. थोड़े बग्स हम रिव्यू की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस, पहले आप इसको चलाओ, मत आई मीन फ्लैश करो. ओके गाइस, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम.